हाय एवरीवन, नमस्कार फ्रेंड। आज के वीडियो में आपको जो है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के बारे में डिटेल बताने वाला हूं और ये पूरे सिलेबस का रिवीजन जो है इस वीडियो के माध्यम से आपका हो जाएगा। ओके फ्रेंड, विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट वीडियो। फ्रेंड, जो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिया है, मिल्क पार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के लिए कौन सा मिल्क पार्ट या मिल्क कंस्टिट्यूएंट रिस्पॉन्सिबल होता है? तो फ्रेंड, आपको याद रखना है केसिन, ठीक है, क्योंकि मिल्क की प्रोटीन कौन सी होती है? केसिन। तो केसिन जो है विस्कोसिटी को रिस्पॉन्सिबल करता है। इसके अलावा जो है जो वाइट कलर जो है बफेलो मिल्क रहता है उसको भी रिस्पॉन्सिबल करता है, ठीक है। वाइट कलर और विस्कोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? केसिन, आपको याद रखना है। लेकिन फ्रेंड, जो येलो कलर जो है कैटल का होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कैरोटीन की वजह से, ठीक है। कैरोटीन की वजह से येलो कलर जो है काउ मिल्क का होता है, आपको याद रखना है। लेकिन वाइट अगर कलर पूछा जाए तो वाइट कलर जो है केसिन की वजह से होता है। इसके अलावा फ्रेंड, आपको जानना चाहिए कि लैक्टोज जो है ये स्वीटनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए? स्वीटनेस। मिल्क जो स्वीटनेस होता है वो लैक्टोज की वजह से होता है। इसके अलावा जो है लैक्टोज जो है टेक्सचर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। टेक्सचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा फ्रेंड, जो क्लोराइड होता है वो बिटरनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बिटरनेस ऑफ मिल्क। और फ्रेंड, लैक्टोज और क्लोराइड की वजह से ही, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिप्रेस हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस। ओके फ्रेंड, तो आपको याद रखना है, मेरा क्वेश्चन क्या था, मिल्क पार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर विस्कोसिटी कौन सा है? केसिन, ठीक है। और ये व्हाइट कलर जो है बफेलो मिल्क के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन येलो के लिए आपको याद रखना कैरोटीन। येलो जो है किसका मिल्क होता है? काउ का, तो वो जो है कैरोटीन की वजह से होता है। अब अगला पॉइंट, कुछ पॉइंट क्या याद रखना है, लैक्टोज जो है स्वीटनेस के लिए है, लैक्टोज जो है टेक्सचर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, क्लोराइड आयन जो होता है वो बिटरनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, लैक्टोज और क्लोराइड जो है फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ओके, अब फ्रेंड अगला जो मैंने क्वेश्चन पूछा है वो होता है बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ काउ मिल्क, ठीक है। तो आपको याद रखना 86.90, ठीक है। काउ मिल्क का कितना होता है बायोलॉजिकल वैल्यू? 86.90। अगर आपसे बफेलो का पूछ लिया जाए तो बफेलो के लिए होता है 84.04%, ठीक है, 84.04, आपको याद रखना है। तो बायोलॉजिकल वैल्यू काउ का कितना है? 86.90। बफेलो कितना? 84.04। यहाँ फ्रेंड आप देख पा रहे होंगे बफेलो का जो बायोलॉजिकल वैल्यू कम होता है। लेकिन फ्रेंड अगर एनर्जी कंटेंट आपसे पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है एनर्जी कंटेंट इसमें 75 कैलोरी, ठीक है, 75 कैलोरी पर 100 ग्राम। और काऊ का ये मतलब कि ये काऊ का है। और अगर बफेलो की एनर्जी पूछ लिया जाए तो 100 कैलोरी पर 100 ग्राम। ओके फ्रेंड, तो आपको याद रखना है। अब आपको फ्रेंड अगला क्वेश्चन याद रखना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ काऊ मिल्क। काऊ मिल्क का जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है? तो आपको याद रखना है कितना, 1.028 से लेके 1.030, ठीक है, 1.028 से 1.030। अब फ्रेंड अगर आपसे बफेलो का पूछ लिया जाए तो बफेलो का जो होता है 1.030, ठीक है, जहाँ से इसका ख़त्म होता है वहाँ से इसका स्टार्ट होता है 1.032, ठीक है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी किससे मेजर करते हैं? लैक्टोमीटर से। ओके फ्रेंड, इसके अलावा फ्रेंड और भी पैरामीटर आप याद रखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.344 से लेके 1.348, ठीक है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हो गया। इस अगर आपसे पूछा जाए मिल्क की विस्कोसिटी कितनी होती है, ठीक है, 1.522 सेंटीपॉज, आपको याद रखना है, ठीक है। मिल्क का जो है अगर आपसे पूछ लिया जाए फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट तो आपको रखना माइनस में है 0.542, ठीक है, 0.542। अगर आपसे बॉइलिंग पॉइंट पूछ लिया जाए, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पूछ लिया जाए तो 100.17 से लेके 100.01 तक, ठीक है,
आपको ये बॉइलिंग पॉइंट याद रखना है। अगर मिल्क का पीएच पूछ लिया जाए नॉर्मल पीएच, तो 6.5 टू 6.7 याद रखना है। इसके अलावा फ्रेंड अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका जो है परसेंटेज एसिडिटी कितना होता है, ठीक है, परसेंटेज एसिडिटी जो बता रहा हूँ मतलब नेचुरल एसिडिटी कितना होता है, 0.132 ठीक है फ्रेंड। तो आपको जो है ये दिमाग में थोड़ा बहुत रखना है, ठीक है। यहाँ सिर्फ क्वेश्चन क्या पूछा गया था, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ काउ मिल्क, काउ मिल्क का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, 1.0282 1.030, किससे नापा जाता है, लैक्टोमीटर से, ठीक है। अब फ्रेंड इसके अलावा जो है आपको ये भी पॉइंट आपको याद रखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.344 से 1.348, विस्कोसिटी कितना होता है, 1.5 to 2 centipoise, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, -0.542 degree Celsius, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100.17 से 101, पीएच कितना होता है मिल्क का, 6.5 to 6.7, एसिडिटी कितनी होती है, 0.13 से 0.21%, ओके फ्रेंड। अब फ्रेंड जो अगला क्वेश्चन मैंने पूछा है, मीजोफिलिक बैक्टीरिया, ठीक है, किस टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, मीजोफिलिक बैक्टीरिया ग्रोज एट विच टेम्परेचर, ठीक है। तो आपको टेम्परेचर रेंज बताना है मीजोफिलिक का, तो आपको याद रखना 20 degree Celsius to 50 degree Celsius, ठीक है, ये मीजोफिलिक का रेंज होता है। वैसे फ्रेंड होते कितने हैं, एक होता है साइक्रोफिलिक, एक होता है मीजोफिलिक, एक होता है थर्मोफिलिक, ठीक है। साइक्रोफिलिक मतलब क्या होता है, ये बिलो जो है कितना टेम्परेचर, बिलो 20 degree Celsius, ठीक है, और 20 to 50 मीजो, और मोर देन 50 नहीं, ये बिलो 20 degree Celsius, ऐसे याद रखना, ठीक है, मोर देन 50 degree Celsius, ओके। तो थर्मोफिलिक एग्जांपल आपको याद रखना है इसका जो है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, इसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल आपको याद रखना है स्यूडोमोनास फ्रेजी याद रख लो, ठीक है, इसका है, इसका जो एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस थर्मोफिलस, ठीक है, इसका एग्जांपल तो आपको याद होना चाहिए, साइक्रोफिलिक मीजोफिलिक थर्मोफिलिक, तो ये हो गया। फ्रेंड जो अगला क्वेश्चन मैंने लिया है, ऑर्गेनिज्म काज रोपिनेस इन मिल्क, ठीक है, रोपिनेस मिल्क में कौन काज करता है, तो फ्रेंड आपको याद रखना है रोपिनेस जो है, अगर सिर्फ रोपिनेस इसे पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है एल्कली जेंस विस्कोलैक्टिक्स, ठीक है, क्या याद रखना फ्रेंड, आपको अगर पूछ लिया जाए रोपिनेस इन मिल्क तो एल्कली जेंस विस्कोलैक्टिक्स। फ्रेंड ये क्या करता है, सरफेस पे जो है रोपिनेस काज करता है, अगर सरफेस पे रोपिनेस मतलब कि रस्सी तरह बन जाता है, तो सरफेस अगर थ्रू आउट मिल्क करना है, ठीक है, ये सरफेस पे काज करता है, थ्रू आउट मिल्क करके पूछ लिया जाए तो एंट्रोबैक्टर एरोजेंस, ठीक है, एंट्रोबैक्टर एरोजेंस, ये क्या होता है, थ्रू आउट मिल्क जो है रोपिनेस काज करता है, ओके फ्रेंड। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ऑर्गेनिज्म काज रोपिनेस इन मिल्क, तो एल्कलीजेंस विस्कोलैक्टिस, ठीक है, आपको ये सिंपल सा बता देना है। लेकिन फ्रेंड अगर इसको थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो जो है सरफेस पे काज करता है सिर्फ, ठीक है, लेकिन पूरे मिल्क में कौन सा काज करता है, तो आपको याद रखना एंड्रोबैक्टर एरोजेंस। इसके अलावा फ्रेंड आप सावरिंग मतलब कि जो खट्टेपन लाता है तो उसको जान ही रहे हैं किससे होता है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस से, ठीक है, और अगर चीज़ राइपनिंग जो होता है ये किसकी वजह से होता है, इसको भी आपको पता होना चाहिए, चीज़ राइपनिंग किसकी वजह से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस कैसी। अब फ्रेंड अगला जो क्वेश्चन है, टेम्परेचर एंड टाइम फॉर एलटीएलटी मतलब क्या होता है, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम पास्चराइजेशन के लिए, तो कितना होना चाहिए फ्रेंड, आपको पता ही है लो टेम्परेचर 63 degree Celsius फॉर 30 minutes, ठीक है, 63 degree Celsius फॉर 30 minutes, ठीक है, और उसके बाद जो है कूलिंग किया जाता है, कूलिंग कितना 5 degree Celsius, ठीक है, आपको याद रखना है एल टी पास्चराइजेशन।
अब फ्रेंड मैं बता रहा हूँ कुछ कम्बिने आपको जो है टाइम और टेम्परेचर का कम्बिनेशन याद रखना है, उसको डिफरेंट नेम्स जाना जाता है, ठीक है। तो पहला याद रखना है आपको 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट, एक याद रखना है। एक याद रखना 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड, एक याद रखना 74 डिग्री सेल्सियस फॉर 7 सेकेंड, ठीक है। एक याद रखना है 80 डिग्री सेल्सियस और नो हाल्टिंग, ठीक है, कोई वो नहीं। और इसके बाद एक याद रखना 135 to 150, ठीक है, इसमें भी टाइम का कोई वो नहीं है, ठीक है, इतना डिग्री सेल्सियस। और एक याद रखना है 150 डिग्री सेल्सियस, ठीक है फ्रेंड। तो इतना आपको टेम्परेचर रेंज याद रखना है। तो 63 30 मिनट एक इसके लिए होता है लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, 72 15 सेकेंड किसके लिए होता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, ठीक है। ये फ्रेंड याद रखिए 72 का 74 किया गया, टेम्परेचर भी आधा कर दिया, मतलब कि टाइम भी आधा 7 सेकेंड, 74 डिग्री सेल्सियस 7 सेकेंड, इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड याद रखिए, स्टेस, क्या बोलेंगे फ्रेंड, स्टेस सेनाइजेशन, ठीक है। मतलब 80 डिग्री सेल्सियस नो हॉल्टिंग टेम्परेचर मतलब कि टाइम है, इसके लिए जो है इसको बोलते हैं फ्लैश पास्चुराइजेशन, ठीक है। 135 to 150 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसको बोलते हैं अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। इसको फ्रेंड क्या बोलते हैं 150 डिग्री सेल्सियस के पास्चुराइजेशन को, इसको बोलते हैं अल्ट्रा पास्चुराइजेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं अल्ट्रा पास्चुराइजेशन। इसके अलावा फ्रेंड एक जो है वैक्यूम होता है, ठीक है, वैक्यूम पास्चुराइजेशन, इसे वैक्रिएशन भी बोलते हैं फ्रेंड। जो वैक्यूम पास्चुराइजेशन का यूज कहाँ किया जाता है, क्रीम पास्चुराइज करने के लिए, ठीक है, क्रीम पास्चुराइजेशन। और ये क्रीम स्पेशली कहाँ पे अगर यूज कर रहे हैं तो बटर मेकिंग, ठीक है, अगर उससे बटर मेकिंग कर रहे हैं तो, अगर क्रीम पास्चुराइज कर रहे हैं तो इस मेथड से किया जाता है, इसमें क्या कहते हैं वैक्यूम प्रेशर करते हैं, ठीक है, इसको वैक्रिएशन। तो फ्रेंड ये इतने से आपको याद रखना है, इसमें जो मेन जो है ये दो ही हैं सिर्फ, ठीक है, 63 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट LT 72 डिग्री सेल्सियस 15 सेकेंड ST। इसके बाद फ्रेंड इसको कूलिंग करना पड़ता है, ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस इन दोनों को, ठीक है। तो ये इसका टेम्परेचर टाइम कॉम्बिनेशन है। अब फ्रेंड अगला जो क्वेश्चन है फैट परसेंटेज इन कॉटेज चीज, ठीक है, आपको कॉटेज चीज़ का जो है फैट परसेंट बताना है। तो फ्रेंड आपको याद रखना सबसे कम फैट इसी में पाया जाता है 1 to 2% ओनली, ठीक है, कॉटेज चीज़ का। इसके अलावा फ्रेंड और भी चीज़ होते हैं, जैसे छेदार चीज़ आपने पढ़ा ही होगा, छेदार चीज़, रॉकफोर्ट चीज़, ठीक है, और एक स्विस चीज, ठीक है। छेदार चीज़ में जो परसेंट रहता है कितना 33.8% फैट रहता है, ठीक है, इसमें कितना रहता है 31.2% फैट रहता है, और स्विस में कितना रहता है 30%, ठीक है, इतना फैट रहता है। तो आपको ये फैट थोड़ा सा दिमाग में रखना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। छेदार चीज़ में कितना 33.8% फैट, रॉकफोर्ट में 31 होता है, स्विस में 30% होता है, ठीक है फ्रेंड, ये हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाउ मेनी लैक्टिफेरस डक्ट इन विच, ठीक है। तो फ्रेंड सबसे पहले बताते हैं लैक्टिफेरस डक्ट क्या होता है फ्रेंड, अगर मेमोरी ग्लैंड की बात करें, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड की बात करें, ठीक है, तो उसमें क्या होता है एल्वियोलाई, सबसे बेसिक एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई से ही जो है मिल्क सिक्रीशन होता है, ठीक है। एल्वियोलाई जो है बहुत सारे रहते हैं, ठीक है, तो एल्वियोलाई मतलब इसमें भी जो है मिल्क स्टोर्स थोड़ा बहुत रहता है, ठीक है, एल्वियोलाई में, क्योंकि मिल्क सिक्रेशन यहीं से होता है तो यहीं पे रहता है। एल्वियोलाई से जो है बाहर आता है तो लोबुलर डक्ट, ठीक है, किसके थ्रू, स्क्रिटरी लोबुलर डक्ट, फिर ये बनाता है क्या आपस में मिलकर लोबुलर डक्ट, ठीक है। अब लोबुलर डक्ट जो है ये कहाँ ओपन होती है, मिल्क सिस्टर्न, सिस्टर्न या मिल्क साइनस बोलते हैं, ठीक है,
यहाँ पे मिल्क जो है बहुत ज़्यादा कैविटी यहाँ पे रहती है, तो वहाँ पे जो है मिल्क स्टोरेज रहता है, ठीक है, स्टोरेज रहता है। अब इसके बाद जो है यहाँ से आता है टीट में, किस में आता है, टीट, टीट साइनस, ओके, टीट साइनस से जो बाहर निकलता है आउटसाइड, ठीक है, टीट साइनस से बाहर निकलता आउटसाइड किसके थ्रू, वही होता है लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट, या तो इसको टीट डक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो है लैक्टिफेरस डक्ट जो है अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग क्वांटिटी में होता है, जैसे, ठीक है, ये समझ में आ गया, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, सबसे पहले हम कैटल का ले रहे हैं, ठीक है, कैटल और फेलो सीप गोट एक ही है, कैटल में कितने टीट कितने होते हैं, ठीक है, टीट बताना है और लैक्टिफेरस डक्ट कितने होते हैं आपको बताना है, ठीक है, कैटल बीच मेयर शो, ठीक है, यहाँ पे कैटल और फेलो सीप गोट सभी हो गए, हाँ सीप एंड गोट, ठीक है, कैटल का सीप एंड गोट का नीचे लिख दिया। कैटल में कितने टीट होते हैं, चार टीट होते हैं और ईच टीट से एक ही लैक्टिफेरस डक्ट होता है, ठीक है, एक ही टीट कैनाल होता है। बीच में कितने होते हैं, दस होते हैं, दस मतलब फाइव पेयर होते हैं, तो ईच जो है टीट के जो है कितने होते हैं, 10 to 12 लैक्टिफेरस डक्ट होते हैं, ठीक है। इसी फ्रेंड कभी बीच का जो है अगर टीट आप दबाएंगे तो देखेंगे बहुत जगह से जो है मिल्क सिक्रेशन होता है, तो होता है उसमें लैक्टिफेरस डक्ट ज़्यादा पाए जाते हैं 10 to 12 ईच टीट में, ठीक है। मेयर, मेयर में कितने होते हैं, दो मतलब वन पेयर, और इसमें जो है कहा जाता है कितना, मतलब कितना होता है, टू होते हैं, ठीक है, टू लैक्टिफेरस डक्ट होते हैं मेयर में, मतलब ईच टीट में टू लैक्टिफेरस डक्ट। अब आ जाइए सो, सो में कितने होते हैं, कितने टीट होते हैं, फोर्टीन यानी सेवन पेयर, ठीक है, 14 होते हैं और ईच में जो है टू लैक्टिफेरस डक्ट होते हैं। और सीप गोट में कितने टीट होते हैं, सीप का पता है ये सीप का दो, ठीक है, यानी वन पेयर और इसमें लैक्टिफेरस डक्ट वन, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, लैक्टिफेरस डक्ट क्या होता है, जो टीट कैनाल जो है टीट मतलब कि जो टीट कैनाल से जो है जो बाहर निकलती है, ठीक है, बाहर निकलने वाला जो है डक्ट होता है तो उसी को जो है लैक्टिफेरस डक्ट कहते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी लैक्टिफेरस डक्ट इन बीच, कितना हो गया, 10 to 12, ओके। अगला क्वेश्चन फ्रेंड क्या है, मैक्सिमम सिस्टर्न मिल्क, ठीक है, उसी पे मतलब साइनस मिल्क या सिस्टर्न मिल्क स्टोरेज स्पीसीज किस में होता है, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो है एलुलाई, जैसा कि मैंने बताया ना, एक एलुलाई में भी मिल्क मतलब स्टोरेज रहता है, इसके बाद जो मिल्क सिस्टर्न या तो सिस्टर्न मिल्क या तो मिल्क साइनस, ठीक है, वहाँ पे भी जो है स्टोरेज रहता है, तो इसके लिए जो है एलुलाई और सिस्टर्न मिल्क, ठीक है, सिस्टर्न मिल्क, एलुलाई मिल्क और सिस्टर्न मिल्क का रेशियो हम बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले किसे बताते हैं, काऊ में, काऊ में जो एलुलाई मिल्क होता है वो होता है 80% और सिस्टर्न मिल्क कितना होता है, 20%। अब आ जाइए बफेलो, बफेलो में कितना होता है, 95 होता है और ये कितना होता है, 5 ही होता है सिस्टर्न मिल्क। अब आ जाओ बिच, बिच नहीं, गोट, गोट में कितना होता है, आपको याद रखना है एलुलाई जो है 20 रहता है और यहाँ पे सिस्टर्न मिल्क 80, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड देखेंगे काऊ का जस्ट रिवर्स गोट। अब आ जाइए सिप, सिप में कितना होता है, 50-50%, ठीक है। अगर फ्रेंड यहाँ पे सो की बात करें, मतलब कि जो फीमेल सुअर रहती है उसमें देखेंगे तो एलुलाई में जो है 100 रहता है और सिस्टर्न मिल्क जो है 0 रहता है, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मैक्सिमम सिस्टर्न मिल्क स्टोरेज, तो सिस्टर्न मिल्क स्टोरेज किस में ज़्यादा है, 80, ठीक है, गोट में, तो गोट में आपको जो है यहाँ पे लिखना है, ठीक है।
और फ्रेंड अगर सिस्टर्न मिल्क क्या होता है, सिस्टर्न मिल्क जैसे साइनस में अगर कलेक्ट हो गया तो उसको जो है हार्मोनल और रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं हो, जब मन करे आप जो है मिल्क निकाल सकते हैं। इसलिए फ्रेंड जो है गोट में क्या होता है, आप दिन में जब भी आप देखें उसका जो है मेमरी ग्लैंड अगर स्वेल हो गया है, मतलब कि स्वेलिंग फूल गया है, तो आप जब मन करे तब आप लोटा ले जाके दूध निकाल लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्रेंड इन सब में जो है आपको स्टिमुलेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, लेकिन गोट में तुरंत निकाल सकते हैं क्योंकि 80% जो है सिस्टर्न मिल्क, जितना ज़्यादा सिस्टर्न मिल्क ज़्यादा स्टोरेज रहेगा उतना अच्छा आप आसानी से निकाल पाएंगे। ओके, अब फ्रेंड अगला क्वेश्चन है फाइट एंड एसएनएफ इन टोन्ड मिल्क, ठीक है फ्रेंड। फ्रेंड अधिकतर जो घरों में अभी जो है जितने भी मिल्क आते हैं अधिकतर टोन्ड मिल्क ही रहते हैं, ठीक है, सभी घरों में। तो उसमें जो है अगर आप पैकेट पे देखेंगे तो वहाँ पे लिखा रहता है 3.5% फैट एंड एसएनएफ कितना 8.5%, ठीक है। तो आप सिंपल से याद रखिए फैट एंड एसएनएफ इन टोन्ड मिल्क, अधिकतर टोन्ड मिल्क ही घर पे आता है। आप पैकेट पे देखिए 3.5% फैट लिखा रहता है, 8.5% एसएनएफ रहता है, ठीक है। अब फ्रेंड अगर मान लो डबल टोन्ड पूछ लिया जाए, तो अगर डबल टोन्ड पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है 1.5% फैट और एसएनएफ जो है वो बढ़ जाता है कितना 9% एसएनएफ, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड मिल्क रहता है, स्टैंडर्ड मिल्क, ठीक है, स्टैंडर्ड मिल्क में कितना रहता है आपको याद रखना है 4.5% फैट रहता है और 8.5% एसएनएफ। ओके फ्रेंड, तो आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन है फ्रेंड मिल्क कंस्टिट्यूएंट व्हिच इज मोर वेरिएबल, बहुत ज्यादा वेरिएबल होता है कौन सा, मतलब मेन प्रोटीन फैट लिपिड इन सब में बताना है कौन सा ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा वेरिएबल रहता है। तो सबसे ज़्यादा वेरिएबल रहता है फ्रेंड मिल्क कंस्टिट्यूएंट में फैट, ठीक है, फैट जो है सबसे ज़्यादा वेरिएबल रहता है। अगर आपसे लीस्ट वेरिएबल पूछ लिया है तो, लीस्ट वेरिएबल पूछ लिया जाए तो कौन सा बताओगे, तो आपको याद रखना है लैक्टोज, लैक्टोज जो है लीस्ट वेरिएबल रहता है। और मैक्सिमम वेरिएबल कौन सा, अभी मैंने बताया फैट, ठीक है फ्रेंड। इसके अलावा फ्रेंड कभी कभी क्वेश्चन आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन सा ज़्यादा लीस्ट, सबसे कम लीस्ट वेरिएबल है, ठीक है, फिजिकल अगर प्रॉपर्टीज की बात पूछ लिया जाए तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन सा सबसे लीस्ट वेरिएबल रहता है, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और जितने भी फिजिकल पैरामीटर रहते हैं, तो उसमें सबसे लीस्ट वेरिएबल कौन रहता है, तो आपको याद रखना है फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट सबसे लीस्ट वेरिएबल रहता है। ओके, तो आपको यहाँ से तीन क्वेश्चन बन गए, लीस्ट वेरिएबल लैक्टोज, मैक्सिमम वेरिएबल फैट, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज आप पे मिल्क में पूछ लिया जाए सबसे लीस्ट वेरिएबल कौन है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी लीस्ट वेरिएबल है मैंने बताया है, सबसे कम वेरिएबल कौन प्रॉपर्टीज रहता है, फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रेंड अगला क्वेश्चन है पल्सेटर रेशियो ऑफ मिल्किंग मशीन फॉर काउ, ठीक है, पल्सेटर रेशियो ऑफ मिल्किंग मशीन फॉर काउ, इसका सबसे पहले आंसर दे देता हूँ 60:40, ठीक है। अब फ्रेंड बताए आपको पता है मिल्किंग मशीन का जो है हार्ट अगर माना जाता है किसको, पल्सेटर को ही माना जाता है, ठीक है, अगर पल्सेटर काम नहीं करेगा तो कोई मिल्किंग मशीन का यूज नहीं, इसलिए मिल्किंग मशीन का हार्ट किसको माना जाता है, पल्सेटर को माना जाता है। तो पल्सेटर जो है वो उसका एक हाई वैल्यू होता है एक लो वैल्यू होता है, ठीक है, इसलिए पल्सेटर रेशियो जो है काऊ के लिए 60:40 है। अगर आपको बफेलो के लिए पूछना है तो हो जाता है 50:50, ठीक है फ्रेंड। इसके अलावा फ्रेंड आपको और जानकारी दे देता हूँ, इसमें जो है प्रेशर कितना होता है, मिल्किंग मशीन में जो है प्रेशर कितना यूज करते हैं, तो प्रेशर के मामले में अगर जो है काऊ है तो 352 mmHg, ठीक है, इतना प्रेशर यूज करते हैं। और अगर बफेलो है तो 400 mmHg यूज करते हैं, ठीक है, आपको ये याद रखना है प्रेशर। ओके, अब फ्रेंड अगला क्वेश्चन क्या है, अल्कोहल कंटेंट ऑफ केफीर एंड क्यूमिस, ठीक है, आपको अल्कोहल कंटेंट बताना है, अल्कोहल कितना होता है केफीर में और क्यूमिस में। सबसे पहले पर फ्रेंड जान लीजिए केफीर और क्यूमिस क्या होता है, ये जो है एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट होता है जिसमें अल्कोहल बनता है, ठीक है। तो केफीर जो है नॉर्मल जो है कैटल बफेलो इन सब से बनाया जाता है, ठीक है, इनके मिल्क से बनाया जाता है, लेकिन जो क्यूमिस होता है ये स्पेशल जो है मेयर, मतलब घोड़ी के दूध से बनाया जाता है मेयर,
मेयर मिल्क से बनाया जाता है क्यूमिस। अब केफिर तो आप जो है कर्नल और फलों से बना सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा मीठा रहता है, तो इसीलिए जो है ज़्यादा मीठा होने की वजह से इसको क्यूमिस से बनाते हैं, ठीक है। तो अब आपको बताते हैं, इसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था एल्कोहल कंटेंट, तो जो अगर आपको केफिर, केफिर का जो एल्कोहल कंटेंट होता है 1%, ठीक है, 1% एल्कोहल रहता है। अगर क्यूमिस देखा जाए तो क्यूमिस में जो है 2.5% एल्कोहल रहता है, ठीक है, क्योंकि इसमें शुगर ज़्यादा रहता है तो ये ज़्यादा रहता है, क्यूमिस में 2.5%। इसमें जो है लैक्टिक एसिड भी रहता है 1%, ये भी ध्यान देना, वो छोड़ो, केफिर 1% एल्कोहल, क्यूमिस 2.5%। क्यूमिस किससे प्रिपेयर किया जाता है? मेयर मिल्क से, ओके। अगला क्वेश्चन, इंडेक्स ऑर्गेनिज्म फॉर पाश्चुराइजेशन, पाश्चुराइजेशन का इंडेक्स ऑर्गेनिज्म कौन है, मतलब कि पाश्चुराइजेशन के बाद जो है वो ऑर्गेनिज्म होना नहीं चाहिए, तो ये इंडिकेट कौन करता है, ठीक है। तो इंडेक्स ऑर्गेनिज्म फॉर पाश्चुराइजेशन कौन सा है, आपको याद रखना, कोक्सीएला ब्रुनोटी, ठीक है, कोक्सीएला ब्रुनोटी जो है इंडेक्स ऑर्गेनिज्म फॉर पाश्चुराइजेशन है। अब फ्रेंड एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ मैं, इंडेक्स ऑर्गेनिज्म आपको बताना है, इंडेक्स ऑर्गेनिज्म जो है स्टेरिलाइजेशन, ठीक है, इंडेक्स ऑर्गेनिज्म स्टेरिलाइजेशन के लिए बताना है, इंडेक्स ऑर्गेनिज्म स्टेरिलाइज पूरी तरह से हो गया, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है, आपको याद रखना, क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम, क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंडेक्स ऑर्गेनिज्म स्टेरिलाइजेशन के लिए कौन, ए क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम, अगर पाश्चुराइजेशन के लिए पूछे तो कोक्सीएला बर्नेटी। इसके अलावा फ्रेंड एक क्वेश्चन और है, अगर हम पूछे इंडेक्स एंजाइम फॉर पाश्चुराइजेशन तो आप क्या बताओगे, ठीक है, मतलब पाश्चुराइजेशन के बाद वो एंजाइम होना ही नहीं चाहिए, तो वो एंजाइम है एल्कलाइन फास्फेटेज, याद रखना है, ठीक है, एल्कलाइन फास्फेटेज, एल्कलाइन फास्फेटेज जो है इंडेक्स एंजाइम ऑफ द, इंडेक्स एंजाइम ऑफ द पाश्चुराइजेशन। अगर आपसे स्टेरिलाइजेशन का पूछा क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम, अगर आपसे पाश्चुराइजेशन का पूछा कोक्सीएला बर्नेटी, ओके। अब फ्रेंड आपको याद करना है एग्जांपल ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क प्रोडक्ट, इसका एग्जांपल बताना है, कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क प्रोडक्ट क्या क्या एग्जांपल हो सकता है, खीर, ठीक है, होवा, ठीक है, कुल्फी, ये सब जो बनते हैं एग्जांपल ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेटेड, इसमें सबसे अच्छा तो एग्जांपल ये है खोआ, ठीक है, खोआ जो है कॉन्सेंट्रेटेड। अब आपसे अगर फर्मेंटेड पूछ लिया जाए तो फर्मेंटेड में कर्ड हो गया, ठीक है, और लस्सी हो गया, ओके। अगर आपसे फर्मेंटेड पूछा जाए तो कर्ड और लस्सी, अगर आपसे जो है क्लैरिफाइड बटर पूछा जाए, ठीक है, तो आपको याद रखना है घी, ओके फ्रेंड, तो ये सब कुछ एग्जांपल। अब आपको ये बताना है छना प्रोडक्ट का जो है कुछ एग्जांपल बताना है, छना प्रोडक्ट का कौन कौन से इसके प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है फ्रेंड। इसमें एक और जान लीजिए, अगर आपको याद रखना है कोएगुलेटेड प्रोडक्ट, तो छना होता है और चीज होता है, ठीक है, चीज और छना क्या होता है, कोएगुलेटेड, मतलब फर्मेंटेड कर्ड लस्सी, क्लैरिफाइड घी, कोएगुलेटेड छना चीज, ये सब जो है आपको याद रखना है, क्लैरिफाइड में घी भी हो गया और मक्खन भी हो गया, ठीक है, जो मक्खन होता है वो क्लैरिफाइड होता है, कोगुलेटेड में छना है चीज। अब आप अगला एग्जांपल क्या मैंने पूछा था, छना प्रोडक्ट का आपको बताना है, छना प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, ठीक है, तो छना प्रोडक्ट में क्या क्या आ सकता है फ्रेंड, संदेश, ठीक है, पटुआ, चमचम, ठीक है, ये सब जो है छाना प्रोडक्ट हो गए। अब इसके अलावा फ्रेंड और भी याद कर लीजिए, अगर आपसे खोआ प्रोडक्ट पूछ लिया जाए तो खोआ प्रोडक्ट में कलाकंद, जो नाम कन्फ्यूजन होते हैं फ्रेंड उन्हीं को मैं बता रहा हूँ, कलाकंद, गुलाब जामुन, ठीक है,
ये सब किसके हो गए, होआ प्रोडक्ट। और अगर आपको छना प्रोडक्ट पूछा जाए तो छना प्रोडक्ट ये हो गए, संदेश, पंटुआ, पंटुआ एंड चमचम, संदेश, पंटुआ और चमचम, ये सब छना प्रोडक्ट हो गए। वैसे फ्रेंड पंटुआ में आप अगर इसका कंस्टिट्यूएंट देखेंगे तो इसमें जो है खोआ भी यूज किया जाता है और छना भी यूज किया जाता है, ठीक है, लेकिन उसको जो है छना प्रोडक्ट में रखे गए। अब फ्रेंड अगला जो क्वेश्चन है, प्लेट काउंट ऑफ पाश्चराइज मिल्क, प्लेट काउंट कितना होना चाहिए पाश्चराइज मिल्क का, तो लेस देन 30,000, ठीक है, लेस देन 30,000, इतना प्लेट काउंट होना चाहिए। और फ्रेंड अगर आपसे पूछा जाए रॉ मिल्क का कितना होता है, रॉ मिल्क का अगर बिलो 2 लाख है, ठीक है, प्लेट काउंट, तो ये जो है वेरी गुड, ठीक है। अगर जो है 2 लाख से जो है 10 लाख के बीच में है तो इसको भी गुड के रेंज में माना जाता है, ठीक है, लेकिन अगर ग्रेटर देन 10 लाख है तो ये बेकार माना जाता है। तो आपको याद रखना है लेस देन 2 लाख वेरी गुड, 2 लाख से 10 लाख गुड, और ग्रेटर देन 10 लाख बैड, ठीक है। ये रॉ मिल का जो है प्लेट काउंट है, प्लेट काउंट आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कास्टिव ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू मिल्क, ब्लू मिल्क के लिए कौन सा कास्टिव ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है, तो आपको एक कम से कम याद रखना है स्यूडोमोनास सिनसाइनिया, ठीक है, स्यूडोमोनास सिनसाइनिया, वैसे सिनसाइनिया से आपको समझ में आ जाएगा ब्लू मिल्क। अब फ्रेंड आपको यहाँ पे कुछ याद रख लो, ब्लू मिल्क किससे होता है, रेड मिल्क किससे होता है, येलो मिल्क किससे होता है और ब्राउन मिल्क, इसका भी एक एग्जांपल, कम से कम एक एक एग्जांपल तो याद रखना ही, ठीक है। ब्लू मिल्क में मैंने जो है एक बता दिया स्यूडोमोनास सिनसाइनिया, इसके अलावा फ्रेंड ये जो है हल्का ब्लू रहता है, लेकिन अगर डार्क ब्लू हो गया तो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, अगर ये भी फ्रेंड ज़्यादा हो गया तो पूरी तरह हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस की वजह से। रेड मिल्क किससे होता है, सिराटिया मार्सिसेंस, ठीक है, सिराटिया मार्सिसेंस, या तो जो है माइक्रोकोकस रोजियस रेड मिल्क, इससे भी होता है, ठीक है, ये माइक्रोकोकस रोजेंस, सॉरी माइक्रोकोकस रोजेंस, इससे भी रेड मिल्क, रेड मिल्क किससे होता है, सिराटिया मार्सिसेंस एंड माइक्रोकोकस रोजेंस। येलो मिल्क किससे होता है, स्यूडोमोनास सिनजेंथा, सिनजेंथा, ठीक है, यस इस्माल में लिखेंगे हमेशा स्यूडोमोनास सिनजेंथा, ठीक है। येलो मिल्क किससे होता है, स्यूडोमोनास सिनजेंथा। अब आ जाइए ब्राउन मिल्क होता है स्यूडोमोनास पट्रीफेसियंस, ये किससे हो सकता है, या तो स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस, ठीक है, फ्लोरोसेंस, इससे भी हो सकता है। तो फ्रेंड ये इतने सारे क्वेश्चन रहे, होप आपका लगभग जो प्रोडक्ट जो है कंप्लीट करने की कोशिश किया गया है। तो फ्रेंड होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो फ्रेंड मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पे। जय हिंद।